आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज। पुलिस यहाँ पे मर्शियात फरोशों के खिलाफ और असला नजायज वालों के खिलाफ, फिर उसके बाद इन्हीं की इंफॉर्मेशन पे हमने दीरकोट से जाके एक बंदे को पकड़ा, एक बंदे का पासपोर्ट बनवाया, जो बंदा यहाँ मौजूद है उसके नाम पे जो पासपोर्ट बना वो बंदा यूके जा चुका है। इसमें हमने FIA के लोगों को भी बीच में उनको भी रिक्वेस्ट करके हमने उनसे भी हेल्प ली है। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास लॉगिन और पासवर्ड कैसे है। 55 पासपोर्ट हैं जिन्होंने अभी तक इस पर बनवाए, और इसमें ऐसे लोगों के भी पासपोर्ट बने हैं जो ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। बालाकोट पुलिस ने 9 साल सितंबर के महीने में मंशियात के कुल 28 मुकदमा दर्ज किए हैं। 28 बोतल शराब और 18 किलो चर्स के अलावा 1 किलोग्राम हीराइन और आइस भी बरामद की है, जबकि मुतादद इश्तियारी मुलजमान समेत दीगर मफरूरान को भी गिरफ्तार किया गया है। SSP रावलाकोट कामरान अली ने जुमा को ब्रीफिंग देते हुए बताया, सितंबर के महीने में मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के अलावा मफरूरान और इश्तियारी मुलजमान की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। उन्होंने बताया कि ASP की निगरानी में बनाई गई पुलिस की एक टीम ने गैर मुल्कियों को पासपोर्ट जारी करवाने वाले एक ग्रोह को पकड़ा है, जिसने अब तक की तफ्तीश के मुताबिक 55 पासपोर्ट बनाने का इंकशाफ किया है। बैनल सूबाई ग्रोह के 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर चुके हैं, जबकि तफ्तीश का दायराकार बढ़ा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो FIA से भी मदद ली जाएगी। उन्होंने बताया कि रावलाकोट में जल्द ही एक खिदमतगार मरकज भी बनाया जा रहा है, जिसके जरिए आम शहरियों को वन विंडो ऑपरेशन के तहत दस्तावेजात मिल सकेंगी। कश्मीर धरती न्यूज़, रावलाकोट। आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़।